दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और ये सब गोट फार्म है सऊदी में, जो कि ये देखो बकरियां हैं, ऐसे ऐसे बकरियां पाई जाती हैं। और हम आपको आज बताते हैं गैस, एसिडिटी और कब्ज का घरेलू कुछ इलाज, ताकि हर जगह डॉक्टर नहीं मौजूद होते हैं, दूर दूर पे डॉक्टर रहते हैं, तो इसके लिए कुछ घरेलू इलाज भी जानना ज़रूरी है। ये देखो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं भैया, इधर मोटा ताज़ा, क्योंकि जौ खिलाया जाता है, तो इसीलिए कुछ घरेलू इलाज करना चाहिए, ताकि हर हर समय दवा दवा खिला के कोई मतलब ज़्यादा नहीं निकल पाता है। पहले घरेलू इलाज कर लेना चाहिए, उसके बाद ना ठीक होए तो दवा खिलाना उलाना चाहिए डॉक्टर से संपर्क करके। और ये ऐसा घरेलू इलाज है जो कि हर बकरी या बच्चा प्रेग्नेंट न जो है प्रेग्नेंट उसको भी सब में वो काम करते रहता है। तो घरेलू इलाज का पहले इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसके बाद तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा भी बकरियां हैं, और जानते हैं एक नींबू है, नींबू और छाछ जिसको अरबी में लेबन बोलते हैं, और अपने इधर कहीं कहीं मंठा भी बोलते हैं, माठा भी बोलते हैं, तो वो दोनों मिला के, यानी एक या दो जैसा बकरी रहे बच्चा रहे वो हिसाब से नींबू दो या एक मिलाकर उसका रस काट कर निकाल लें। निकालने के बाद वो छाछ थोड़ा ले लें, 50 ml 100 ml तक लेके उसमें मिला के रस निकाल के मिला के मिलाने के बाद और पिला दें। अब जैसे पीती हो, अपने से पीती हो तो अपने से पी ले, नहीं तो फिर सिरिंज में बड़ा वाला सिरिंज आता है उसमें मिला भर के पिला लें, नहीं तो फिर उसके लिए और भी देसी देसी जुगाड़ है अपने यूपी में। यहाँ तो सिरिंज है, लेकिन अपने इधर तो और भी जुगाड़ है, जो भी पिला पिलाया जाता है उसमें भर भर के। तो यही सब है भैया, देखें इंशाल्लाह पिला कर इंशाल्लाह सही होगा। यही सब है बकरियां इधर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। यही सब है इधर। अभी देखो इधर जव है, इधर बरसिंग है, अभी सभी को खोला जाएगा, सुबह का टाइम है। चलो ओके, बाय।